पटना में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक साल के काम का लेखा जोखा दिया। उन्होंने बताया कि 1344 वार्ड का गठन हुआ है और चुनाव कराना सबसे महत्वपूर्ण था, साथ ही बड़ी चुनौती थी। बोगस वोटिंग को खत्म किया गया, पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए गए। हमारे पंचायती राज विभाग में जो महत्वपूर्ण चीजों का हमारे आने के बाद चीजें को स्थापित करने का काम की शुरुआत की गई, तो उसमें दो तीन महत्वपूर्ण चीजें थी। वैसे और विस्तार से हम कई 14 पॉइंट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे आने के पहले 8387 पंचायत हुआ करता था। हम लोगों ने उसमें विघटन किया और नगर, क्योंकि हमारे आत्मनिर्भर बिहार में हमारा कमिटमेंट था कि मात्र 11.29% बिहार का शहरी आबादी था, उसको बढ़ाना था। तो पार्टी और एनडीए सरकार ने यह तय किया था कि हम 320 पंचायतों को नगर निकाय में हम शामिल किए, 1344 वार्ड सदस्य वार्ड का जो गठन था वो विघटन हुआ और हम लोग नगर की व्यवस्था को और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम शुरुआत किया गया, जो आप लगातार देख रहे हैं कि आगे के दिनों में इसकी भी चुनाव की प्रक्रिया होगी।